हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी बैक को कैसे ट्रेन करना चाहिए फॉर मसल ग्रोथ। सो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपनी बैक की ट्रेनिंग को अप्रोच करता हूं। सो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइसेस आ सकती हैं बिकॉज बाहर हवा चल रही है, जो एग्जॉस्ट फैन के कवर हैं बाहर वाले वो आवाज़ कर रहे हैं। सो जब मैं अपनी बैक की ट्रेनिंग सेट करता हूँ, सो मैं तीन मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ जब भी मैं अपना बैक का वर्क करता हूँ। सो तीन मूवमेंट्स क्या होती हैं? एक मूवमेंट होती है जिसमें मेरी आर्म्स इस डायरेक्शन में मूव हो रही हो, एक मूवमेंट होती है जिसमें मेरी आर्म्स इस डायरेक्शन में मूव हो रही हो, एंड एक मूवमेंट होती है जिसमें मेरी आर्म्स इस डायरेक्शन में मूव हो रही हो। सो तीनों मोशन की मैं मूवमेंट्स इंक्लूड करता हूँ एंड ये मेरा बैक वर्क होता है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं तीन वीडियोज़ डालूँगा। पहले वीडियो में जो ये वाली है, इसमें मैं आपको इस मोशंस की मूवमेंट के बारे में बताऊंगा एंड उनकी फॉर्म के बारे में बताऊंगा। देन सेकंड वीडियो में जो ये वाला मोशन है, इसके लिए मूवमेंट्स बताऊंगा एंड उनकी फॉर्म बताऊंगा। देन जो लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं इस मोशन वाली मूवमेंट्स बताऊंगा आपको एंड उनकी फॉर्म बताऊंगा। एंड उसके साथ वो लास्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगा कि कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट मूवमेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी अपर बैक पुल डाउन। सो लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब होगी इधर बिकॉज मैं जो नेचुरल लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट फिल्म कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रॉड को ग्रिप करोगे, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। देन आप जो ये सपोर्ट है इसमें जितना आगे आ सको आओगे। एंड देन आपको क्या करना है कि अपनी चेस्ट को अप करना है। सो जितनी थोरासिक एक्सटेंशन आप ले सको वो करोगे अचीव। देन आप देख रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो कि मेरी जो एल्बोज़ हैं, जैसे मैंने ग्रिप किया हुआ है, मेरी एल्बोज़ हैं जो आउटवर्डली पॉइंट कर रही हैं, बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। हमने क्या करना है कि हमने एल्बो की पोजिशन को मेनटेन करते हुए रॉड को और एल्बोज़ को नीचे की तरफ लेकर आना है। सो आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो चेस्ट अप की, जितनी थोरासिक एक्सटेंशन में इस पोजीशन में अचीव कर सकता हूँ वो की, एल्बोज को बाहर रखते हुए उनको जितना नीचे ला सकता हूँ वो लाऊंगा। ये मोशन आप देख रहे हो कि मेरी एल्बोज बाहर ही रह रही हैं सारा टाइम। उनको बाहर रखते हुए जितना नीचे ला सकोगे तो लाओगे। आपने ये चीज़ नहीं करनी कि एल्बोज को नीचे की तरफ नहीं करना। आप देख रहे हो अभी मेरी एल्बोज नीचे की तरफ है, हमने उनको बाहर रखना है एंड ये मोशन परफॉर्म करना। अपनी जो पोजीशन हमने सेट की है बॉडी की, अपर बॉडी की, उसको मेंटेन करते हुए जितना आर्म्स को ऊपर ले जा सकते होंगे लेकर जाएंगे। देन फिर उसको नीचे की तरफ एल्बोज को पुल करेंगे उनको आउटवर्डली रखते हुए। सो जो सेकंड मूवमेंट हम परफॉर्म करेंगे अपर बैक के मोशन के लिए, वो होगी टी बार। अगर आपके जिम में टी बार मशीन है, ये वाली मशीन इसको कह सकते हैं अगर मशीन है, तो इसके साथ आप परफॉर्म करोगे। मोस्टली मशीन्स में इसके दो ऐसे हैंडल होंगे। हमने जब अपर बैक का मोशन करना है तो हमने ऊपर वाले हैंडल को ग्रिप करना है। सो उसको हम ग्रिप करेंगे, देन इसको अनरैक कर लेंगे। अब आप फिर देख रहे हो कि जो मेरी एल्बोज़ हैं, जैसे मैंने ग्रिप किया हुआ है, वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। जो मेरी लेफ्ट वाली एल्बो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। सो एल्बो की पोजीशन को ऐसे ही मेंटेन करते हुए आपको एल्बोज़ को ऊपर की तरफ खींचना है। जितना आप पीछे ला सकते हो एल्बोज़ को लाओगे, फिर नीचे जाओगे, अपनी अपर बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करते हुए जितना आर्म्स को नीचे लेकर जा सकते हो लेकर जाओ। देन फिर एल्बोज़ को बाहर की तरफ रखते हुए ऊपर की तरफ लेकर आओ। ये मोशन परफॉर्म करोगे। सो थर्ड एक्सरसाइज जो मैं आपको अपर बैक मोशन के लिए बताऊंगा वो है इनक्लाइन अपर बैक डंबल रो। सो इसके लिए आप एक एडजस्टमेंट बेंच को एक हाइट पे सेट करोगे जो आपके जो रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट ना करे। सो आप उस हाइट को सेट करोगे जिसमें आप उतना जितना नीचे इसको रख सको उतना नीचे रखना चाहते हो, बट आप कितना नीचे इसको रखोगे वो डिपेंड करेगा कि जब मैं हमें उस हाइट पे सेट करना है जब मैं अपने जो अपर बैक के मसल्स को जब स्ट्रेच कर रहा हूँ
वो फुल स्ट्रेच होने से पहले मेरे डंबल्स ग्राउंड पे ना हिट कर जाएं। जैसे आप इस देख रहे हो हाइट पे, इस हाइट पे यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रेच हो चुका है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता एंड डंबल्स ज़मीन पे नहीं हिट करे। सो इट मीन्स कि ये सही हाइट है इस बेंच की। बट अगर मैं इससे थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो अब क्या होगा कि अब मैं नीचे पूरा नहीं लेकर आ पाऊँगा बिकॉज डंबल्स पहले ही नीचे हिट कर जाएंगे। सो हम इसको जितना नीचे हो सके रखेंगे, बट जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसका ध्यान रखते हुए। सो अब इसको मैं ग्रिप कर लूँगा अब इस पोजिशन में रह के। अब जैसे मैंने प्रोनेटेड ग्रिप की है, आप देख रहे हो कि मेरी एल्बोस फिर बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं एंड जो मेरी लेफ्ट एल्बो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। सो एल्बोस को बाहर की तरफ रखते हुए इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे, देन फिर नीचे, जितना ऊपर ला सकें देन फिर नीचे। नेक्स्ट वेरिएशन जो हम करेंगे वो है केबल पुल अपार्ट। उसके लिए आप पहले ऐसे मोशन परफॉर्म करोगे एंड देन जहाँ पे आपका हाथ आ रहा है वहाँ पे इस केबल को सेट करोगे, देन इसको इस बार की तरफ खींच के, देन आपको हाथ से पुल करने के बारे में नहीं सोचना, आपको एल्बोस से पुल करने के बारे में सोचना है एंड आपको अपनी आर्म को उतना ही बॉडी के पास लाना है जब या तो ऐसे ना हो एंड या तो हमारी एल्बो बेंड ना हो, ठीक है। सो बॉडी की पोजीशन को स्टिल रखते हुए एंड अपनी आर्म को ऑलमोस्ट स्ट्रेट रखते हुए जितना पास आ सकते हो आओगे, देन एल्बोस को जितना बॉडी से दूर लेकर जा सकते हो लेकर जाओगे। एंड ऐसे हम परफॉर्म करेंगे केबल पुल अपार्ट। सो ये चार वेरिएशंस आप यूज कर सकते हो फॉर योर दिस मोशन ऑफ योर बैक वर्कआउट एंड इस वीडियो में इतना ही। बाकी की दो मोशंस के लिए जो वेरिएशंस है आपको अगली दो वीडियोस में बताऊंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा इस वीडियो से तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।